अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में वादा किया है कि आपसे आपके साथ मैं अपने आंसर स्क्रिप्ट्स को शेयर करूंगा और मैंने किया भी है। उर्दू कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी के पेपर्स को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आज बारी है उर्दू ऑप्शनल के पेपर्स की, और पेपर वन और पेपर टू ये दोनों मैं आज अपलोड करने वाला हूँ। सोल मुद्दा अगर कहा जाए कि रियल मोटिव इस वीडियो का इतना ही है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि आज वो पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा वक्त आपका लूं, क्योंकि इस पेपर के लिखने का जो अंदाज है मेरा, उसको समझना जरूरी है। मैंने कहां से पढ़ा था वो भी समझना जरूरी है, और आप किस तरह से कंपेरिजन करेंगे कि मैंने लिखा है तो क्या लिखा है और कितना ये डेविएट कर रहा है पढ़ी हुई चीज़ों से, तो इन चीजों को समझने के लिए मैं थोड़ा सा वक्त आपका लूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से बुक्स मैंने फॉलो करी थी। तीन बुक्स मेरे पास थी, उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला, उर्दू नसर का तनकीदी मुताला डॉक्टर सुबुल निगार का, और एक शऊर फन नाम की एक किताब आती है। ये तीन किताब मेरे पास थे। शुरू में ये पता नहीं था कि इन किताबों से कितना फायदा उठाया जाए और सिलेबस से कितनी चीजें मिलती हैं। अक्सर जहन में यह बैठा था कि नोट्स मिल जाएगा तो पढ़ लूंगा, नोट्स मिल जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बदकिस्मती रही कि मेरे पास नोट्स कभी मिला ही नहीं। मैंने 2017 में जब पहली मरतबा क्वालिफाई किया था तो किसी तरह से ये बुक्स मैंने खरीदी, किसी ने बताया कि ये बुक ले लो, ले लिया। बट इसकी जुबान मेरे लायक तो आसान नहीं थी, तो बिलखसूस जो उर्दू नसर का मुताला है और जो सुबुल निगार की किताबें हैं, वो किताबों की जुबान बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि वो अक्सर जो ऑनर्स वगैरह करते हैं उनके लिए था, जो उर्दू जुबान से वाकफियत बड़ी अच्छी रखते हैं उनके लिए। तो थोड़ी मुश्किल तो हुई उस वक्त, किसी तरह एग्जाम देने गया तो बहुत सारे टॉपिक्स तो मुझे पता ही नहीं थे। किस्सा चार दरवेश मुझे आज भी पता नहीं है। मेरी किस्मत अच्छी रही कि इससे कभी क्वेश्चन आया नहीं। लाजवंती का इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं था, गोदान का नहीं है, सफेद खून का नहीं था, ये सब तो अभी भी नहीं है मेरे पास। तो ये सब मैंने कैसे लिखा, ये जरूरी है समझना। और जब आप सुबुल निगार की बुक्स को पढ़ेंगे और मेरा लिखने का जो तरीका है उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आया, क्योंकि सच बात तो यही है कि इस बुक को मैंने पढ़ा जरूर लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। शऊर फन वाकई बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि उसकी जुबान कंपैरेटिवली आसान है और शऊर फन से मैंने काफी फायदा उठाया है। फिर भी मैंने क्या किया कि मैंने अपने हिसाब से लिखना शुरू कर दिया। तो अब आपको करना क्या है, मेरे पेपर को पढ़ने से पहले आपको पहले इन बुक्स को एक नजर पढ़ लेना है, ओके। खासकर शऊर फन में जो इन्फॉर्मेशन से वहां पर उसको एक नजर पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग में एक खाका तैयार हो जाए कि पढ़ना क्या होता है, लिखना क्या होता है। और फिर आप मेरी तहरीर को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है दोनों में, लिखने का अंदाज अलग था। मेरा पहला टारगेट तो यही है बता। दूसरा, सफेद खून मैंने कहाँ से लिखा और लाजवंती के बारे में, इन सब चीजों को मैं थोड़ी थोड़ी आपको बताता हूँ। मैं अपना सजेशन खुद निकालता हूँ, सजेशन मैं खुद से क्वेश्चन के बनाता था और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं उसमें कभी फेल हुआ नहीं हूँ। 2017 में हमारे यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन है, गलतफहमी है खासकर उर्दू वाले में, और कुछ एक दो लोग हैं जो सजेशन निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मसीहा बने हुए हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसे कोई भी सजेशन आपको दे तो उनको फॉलो मत कीजिए, क्योंकि बोगस सजेशन होता है। एक सजेशन जो सबसे ज़्यादा फैलता है मेरी जानकारी में, वो सजेशन नहीं है, वो पूरी बुक है। और आमतौर पर कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला रखी है कि जो 2017 में आया है वो 18 में नहीं आएगा, जो 18 में आया है क्वेश्चन वो 19 में नहीं आएगा। मतलब पिछले साल के क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, बाकी सब पढ़ जाइए। बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं आ रहा और सिलेबस के अंदर कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है। एक और मिसकॉन्सेप्शन हो गया था, बहुत से लोगों ने मुझसे बहस कर ली थी, 2018 में पेपर रिपीट हो गया था, 2020 में भी पेपर रिपीट हुआ था। पेपर रिपीट नहीं होगा ये कहाँ लिखा है, तो किसी ने आके कहा मुझसे कि 70% से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकते। मतलब मुझे पता नहीं कि सोर्स क्या है इन चीजों का। तो ये सब बोगस चीजों से बाहर निकलिए, सजेशन आप खुद बनाइए। सबसे बेहतर तरीका है कि कॉन्सेप्चुअली किसी चीज को पढ़ लीजिए, सजेशन पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल मैं अपना सजेशन खुद निकालता था और मुझे उस साल लगा कि सफेद खून
आएगा। मैंने कईयों से मदद मांगी कि सफेद खून का प्लॉट क्या है, क्योंकि तनकीद पाने में सबसे बड़ी मुसीबत यह कि हर एक कैरेक्टर को याद करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना था कि आप एक बार मुझे मेरा वो पूरी कहानी का बैकग्राउंड बता दीजिए, अगर आप बता देंगे तो मैं वहां से हर एक के बारे में अपना अपना एक अपनी अपनी एक राय रख लूंगा। मेरा ये मानना था कि मैं अपने लहजे में लिखूं बात को, तो अब ये बड़ी मुश्किल हो गई कि किस्सा चहार दरवेश तो नहीं था। सफेद खून पे मुझे बहुत ज्यादा शक था कि शायद वो उस साल आएगा, बट कंटेंट मिल नहीं पा रहा है कहीं से। मैंने बहुत जगह तर्ज तलाश भी किया, मिला नहीं मुझे। तो कई लोगों से मैंने हेल्प भी मांगी थी, अनफॉर्चुनेटली एक के पास मैं गया, किसी ने लेके गया मुझे। 3 घंटा बैठा के वो मुझे बहुत कुछ सुनाया, बोला कि सर मैं आपको नोट्स दे दूंगा। आज करीबन 6 साल हो गए वो नोट्स आ ही रहा है मेरे पास, 6 नहीं तो 5 साल तो हो ही गए, नहीं आया। लेकिन उस बंदे ने एक दो काम किया था, वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा। उसने लाजवंती का छोटा सा बैकग्राउंड बता दिया था, उसने मंटू के बारे में थोड़ी सी बात कही थी, उसने और एक किसी के बारे में कहा था मुझे, तौबा टेक सिंह के बारे में उसने मुझे थोड़ी सी बात कही थी। ये थोड़ी थोड़ी बातें मेरे लिए बहुत अहम थी, क्योंकि मुझे सुनकर याद करने की आदत अभी भी है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मिल जाए तो उसको एक कहानी की शक्ल दी जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये कुछ तरीका था, अल्लाह उनका भी भला करे जो भी उन्होंने मदद करी। एग्जाम में लाजवंती भी आया और एग्जाम में आया सफेद खून। सफेद खून मैं जब ब्रेक था हमारा तो एक लड़के से मैंने मदद मांगी, बेचारा राह चलते चलते सफेद खून के बारे में बता दिया और 30 नंबर का वो क्वेश्चन आया। एग्जाम देने के बाद मैंने सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा किया, हम लोग एक ही हॉल में बैठे हुए थे। सुभान नाम था उनका, सुभान भाई कहते हैं उनको, तो वो नाम था उनका सुभान, उन्होंने मदद करी। अब देखिए ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को मैंने वहां लिखा है, अब आप जाके जब उसको पढ़ेंगे इन कहानी को, तो आपको समझ में आएगा कि किताबी तहरीर नहीं है, वहां जस्ट एक कॉन्सेप्ट है जिसको अपने तरीके से मैंने लिखने की कोशिश करी है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब आप मेरी तहरीर को पढ़ें तो रादर देन के उसको आप पहले पढ़ें, मैं कहूंगा आप पहले जो भी आपको कंटेंट जहाँ भी अवेलेबल है आप उसको पढ़िए, फिर मेरी लिखावट को पढ़िए, ताकि आपको समझ में आएगा कि मैंने लिखा कैसे। दूसरा, उर्दू के ऊपर जब बात आती है तो उर्दू जुबान पे अक्सर मैंने लिखा है कि हमारे क्लास 9 में एक किताब चला करती थी, मुंतखबात उर्दू, सिलेबस की बुक थी, उसमें एक पहला उनवान था जुबान उर्दू। तो वो कहानी मुझे अभी भी याद है, पूरी ना सही तो 70-80% तो याद है, उसका तबास याद है। और उसमें बहुत अच्छे तरीके से पहला पैराग्राफ में लिखा गया था कि एक जुबान की नशोनुमा कैसे होती है, पैदाइश कैसे होती है, एक दरख्त की मिसाल दी गई थी, उसके तनों का मिसाल दिया गया। मैं अक्सर इसको इस्तेमाल करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जब आप पढ़ेंगे तो उसके परछाइयाँ आपको मेरे तहरीर में भी मिल जाएगी जब उर्दू चलेगा। मीर के बारे में मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, क्योंकि मीर के कुछ गजल मुझे याद थी, कुछ अशार मुझे याद थे, गजल बोलना सही नहीं है, मीर और गालिब के अशार मुझे अक्सर याद हैं जो हमारे स्कूल लाइफ में थे, और कुछ इधर उधर से सुन के भी, क्योंकि इजी हुआ करते थे तो याद करना कंपेरेटिवली आसान था। बाकियों के अशार याद करना, अशार याद है किसके शेर है वो पता नहीं, इस तरह की हालत थी, लेकिन मीर के अशार बहुत ज्यादा थे तो उनके बारे में लिखना आसान था। अब बुक में क्या है कि असलूब ऐसे होते थे, बहुत सारे अल्फाज थे, भाई वो अल्फाज याद करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने क्या किया, उस बुक को पढ़ा सुमन निगार के, उसमें देखा कि वो कर क्या रहा है बंदा, हर एक शेर उठा रहा है और शेर के हिसाब से अपनी एक बात रख दे रहा है कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बड़ा काम। तो ये शीशा बनाने वाले के वहां पर है कि बहुत नाजुकी से यहाँ देखना पड़ता है, इस तरह की मिसाल दी गई थी। मैंने क्या किया, तो मैंने कोई और शेर भी वहां डाल दिया, जरूरी थोड़ी है कि वही शेर लिखना पड़ेगा। तो जो जो शेर 2-4 मुझे याद थे मैंने उसके हिसाब से लिखा, और उसमें कभी मीर की नरमी दिख रही है, कभी मीर की परेशानी दिख रही है, मीर का बैकग्राउंड भी काफी खराब था, तो वो अपने अशार में वो लिखते थे। मैंने जो जो अशार उठाया, शेर जो जो शेर उठाया मैंने मैंने उसके लहजे में बात कर दी। अब आप पढ़ेंगे आपको उम्मीद है ये मिलेगा ये चीज़, और यही वजह है कि मेरे पास मीर के बारे में लिखना थोड़ा ज्यादा मिला। एक और चीज़ थी कि मीर के बारे में एक मीर के शायरी के ऊपर एक बड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया कि कुल हुवा अल्लाह वहद की तशरीह कर रहे, ऐसा एक मिसाल देकर, वो मैंने पढ़ा था, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं था, तो जो उसमें मुझे याद रहा मैंने वहां लिखा, जो नहीं रहा वो शायरी वाला पार्ट बेसिकली मैंने अपने हिसाब से लिखा है। तीसरी चीज ये है कि कोई भी शायर हो तो उसके मोर और लेस एक ही जैसे रहते हैं, अब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि ले दे के लिखावट एक ही है, सिर्फ नाम वगैरह बदल रहा है, और थोड़ा सा शायरी का जिनका तो दौर है उनके हिसाब से अगर मुझे मुझे जानकारी है तो उन दौर के हिसाब से मैं बात करूँ। जैसे मीर के दौर में गुलामी की कोई जंजीरें नहीं थी, बादशाहियत थी, और थोड़ी तकलीफ तो थी उनकी लाइफ में ज्यादा तकलीफ थी और सियासी तौर पर कम तकलीफ थी, तो वो ज्यादातर अपनी जिंदगी के बारे में लिखे हैं उन्होंने, तो मैंने वो लिखा। अगर वही गालिब की बात आ जाए तो सियासी तकलीफें ज्यादा थी और
जाती तकलीफ को तो वो समझते ही नहीं थे। ये आपको उर्दू के बारे में एक किस्सा मैंने जब गालिब का कलकत्ता का दौरा है उसमें लिखा है। अब उस दौरे को भी पढ़ेंगे तो मैं उस पर डिस्कस कर लूंगा बाद में कभी, बट ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ। मैंने एक मैं बोल ही दे रहा हूँ, मैंने एक सीरीज देखा था मिर्जा गालिब का, शायद गुलजार साहब ने वो बनाया था और यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो उसमें एक देखा मैंने कि गालिब कलकत्ते का सफर करते हैं और इत्तेफाक से कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाऊँ उसी बिल्डिंग में उनको दावत दी गई थी। मैं कलकत्ता मदरसे में पुरानी वाली बिल्डिंग का तालिब इल्म रहा था। तो वो यहाँ पे बहू बाजार बोल का इलाका है, वहीं एक घर में हिंदू के घर में या हिंदू आबादी वाले इलाके में रह रहे थे। कुछ लोग वहाँ पे पहुंचे तो गालिब से कहा कि ये हिंदू आबादी वाला इलाका है, आप यहाँ क्यों? गालिब बहुत नाराज हो गए उन पर और उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब की मिसालें दी। मैंने इन चीजों को उस कहानी में डाला है, ठीक है। अब किताबी तौर पे कितना सही है कितना गलत है बोलना मुश्किल है, बट कलकत्ते का सफर का दौरा था ना, ये एक्सपीरियंस था। एक नई तरह का मसाला मिल गया, नई तरह की कंटेंट मिल गया। लिख तो लिखना अच्छे से पड़ेगा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मैंने वहां लिखा है, कलकत्ते का सफर के बारे में कोई जानकारी मेरे पास थी नहीं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कितना सही है कितना गलत है, बट मैंने फिर भी उसको लिखने की कोशिश करी है। आपको यही काम करना है। एक और चीज है उसमें, गौदान, गौदान के बारे में मेरे ख्याल से जो नसरी तनकीदी किताब है सुमन निगल की, उसमें बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ है, हो रही उसका बेटा और दो तीन प्रॉब्लम, बस उतनी ही जानकारी मेरे पास आज भी है गौदान की। मैंने उसको लिखा और मुझे पता था कि मुंशी प्रेमचंद अक्सर, क्योंकि बचपन से उनके हीरा मोती और दो बैल और इस तरह की बहुत सारी कहानियां मैंने पढ़ी थी, तो वो सामाजिक प्रॉब्लम्स को सामने रखते थे, गरीबों की बात करते थे, किसानों की बात ज्यादातर करते थे। तो मैंने उस चीज को वहां पिरोया है और मैंने उसी से कहानी लिख दी वहां पर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि आप जरूर पढ़ें, पहले पढ़ें और फिर मेरी तहरीर पढ़िए ताकि समझ में आए कि भाई अच्छा, बिना जानकारी के भी लिखना थोड़ा मुश्किल है, कम जानकारी के साथ भी आप जरूर उसको पढ़ें। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जरूर उसको पढ़ें ताकि आपको पता रहे कि थोड़ी सी जानकारी के बाद भी आप लिख सकते हो उन चीजों को। ये लिखना बहुत जरूरी है, जानकारी कुछ तो चाहिए, बिना कुछ जाने तो आप लिख नहीं सकते। और पेपर पढ़ा जाता है, पेपर पढ़ने के बाद मार्क्स मिलता है, ये याद रखिएगा। ये गलत फहमी है, हवा उड़ा हुआ है कि उर्दू में मार्क्स मिल जाता है। आप उसमें जी सकते हैं, आपका अपना इख्तियार है, बट मैंने कभी इस ख्याल में ना इस ख्याल को पाया है हकीकत होते और ना मैं इसमें जिया हूँ। मुझे तब भी लिखना पड़ रहा था, मैं अब भी अगर एग्जाम देता तो अब भी लिखना पड़ता मुझे, और आपके सामने मैं वो सारे सबूत रख रहा हूँ। इसलिए मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा कि पढ़िए, जरूर पढ़िए, और पढ़ने से ज्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। आपको ऑनर्स की तरह पेपर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पेपर लिखना है, बस ये ध्यान रखना है, अच्छे से लिखना है, पढ़ने वाले को लगे कि आप जानते हैं, या फिर कॉन्टेंट बहुत दीजिए। अब बहुत कॉन्टेंट लेकर पढ़ना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि आप एक तो आप लिटरेचर में हैं, आप साइंस वाले तो है नहीं कि एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डॉट टू डॉट मिलाकर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आज़ादी है थोड़ी, तो आज़ादी के साथ प्रॉब्लम है कि आपको लिखना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो ये लिखने की आदत एक डालनी पड़ेगी, एक तो ये रहा। एक चीज़ और इसमें है कि मस्जिद कर्दबा, ये एक ऐसा किस्सा है जो फिक्स रखना पड़ेगा आपको। ये नज़्म में हर एक बंद में कोई बात है, एक एक इन्फॉर्मेशन याद कीजिए, उसको रखना पड़ेगा। इसके बाद एक मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, उनवान क्या है, बट उसमें उसको मैंने पढ़ा था कहीं पे, शायद बुक में ही थी या पढ़ा तो जरूर है। उसमें मुगलिया सल्तनत उसमें मुगलिया सल्तनत के आखिरी दौर की मिसाल दी गई है। एक महापारा परी थी, एक शहजादी थी, शहजादा था, तो वो लखनऊ के कल्चर को भी उसमें बड़े अच्छे से दिखाया गया है। अब इसमें कल्चर का मिसाल क्या है, ये महापारा, ये शहजादी, ये शहजादा, ये सब उस वक्त के हाकिमों और अमीर घरानों की किस्से कहानी को नुमाया गया है इनके कैरेक्टर के जरिए कि कैसे वो बेबस था। एक बार ये समझ में आ गया, कहानी लिख दीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, बस मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ। और मैं हर एक चीज को डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद भी नहीं है हर एक चीज, बट मैं फटाफट फटाफट सब कुछ बताना चाह रहा हूँ ताकि जहां तक मुमकिन हो मैं आपके लिए कुछ आसानी कर सकूँ। तो अब यहाँ पर आप जब देख रहे हैं उस पेपर को, पहले किताब के पढ़ने के बाद कि उन पेपर्स को कि मैंने इस तरह से लिखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स 2017 में भी 130 के करीब था, 2020 में भी 130 के करीब है। तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है,
कंटेंट हमेशा एक ही जैसा रहा है। एक बार हिम्मत बढ़ जाती है तो फिर कौन पढ़ता है, काम तो वही चलना है, तो कुछ कुछ करके ये करना पड़ेगा। हाँ एक चीज जरूर है कि अगर आपके पास कंटेंट मिल सके, जैसे मेरे, चलिए मैं पास कर गया हूँ तो अब मेरे को क्यों फर्क नहीं पड़ता है मैं पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, लेकिन आपको अभी पास करना है और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जरूर एहतियात बरती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोशिश नहीं करी थी, अल्लाह बेहतर जानता है कि मैंने किन किन लोगों से मदद मांगी थी, और एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला जिसने मेरी मदद करी, ठीक है, एक भी नहीं मिला, तो ये मेरे साथ बदकिस्मती रही थी, लेकिन मैंने कोशिश जरूर की थी। अब कोई नहीं है तो कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जो समझ में आया वो लिखा और पेपर आपके सामने है, वो आप देख लेना वहाँ पे। लेकिन मैं आपको ये सलाह जरूर दूंगा कि देखिए मेरे पास मजबूरी थी, आपके पास कम अज कम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास मजबूरी नहीं है, उतनी तो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप उन मजबूरियों से बाहर निकलिए और पढ़िए जरूर, क्योंकि अगर आप और अच्छा लिखेंगे ना, कंटेंट अच्छा हो, जानकारी अच्छी हो, तो आपके लिखने का अंदाज भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा उसके लिए कि कंटेंट के साथ आप अच्छा लिख रहे हैं, तो अच्छा लिखेंगे इंशाल्लाह मार्क्स अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, मुझे अगर आप कभी मौका ऐसी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं हर एक टॉपिक को हल्का हल्का डिस्कस कर लूँगा, बट अभी नहीं कर रहा, वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। अगर आपको लगता है ऐसा तो आप कहें, मैं उस पर भी वक्त निकाल के कुछ कर दूंगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ इतना है कि मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे मैंने लिखा था। एक चीज़ और मैं आखिरी कहना चाहता हूँ, गज़ल के बारे में मैंने गज़ल वाला हिस्सा कहीं भी मिले तो जरूर पढ़िएगा, ले दे के सब में एक ही बात है, चाहे वो मीर के हिस्से में आया हो या गज़ल के बारे में कोई बात हो। तो गजल का बैकग्राउंड मुझे पता नहीं था, तो मैंने क्या किया, यूट्यूब का सहारा लिया था, मैंने कई चीज़ों पे यूट्यूब का सहारा लिया। अब अख्तरुल ईमान के बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी भी नहीं है, किसी बुक में भी नहीं मिल रही थी, तो मैंने क्या किया, अख्तरुल ईमान के ऊपर एक इंटरव्यू थी वो पढ़ा। उस इंटरव्यू में क्या दिया, अख्तरुल ईमान की जिंदगी कैसी थी, वो घोस्ट राइटर बनने काम कर रहे थे, एक ही पेन से वो शायरी करना स्टार्ट करते थे तो उसी उसी सॉरी पेंसिल से तो उसी पेंसिल से खत्म करते थे, वरना एक उनकी आदत थी। ये सब चीज़ों का इस लिटरेचर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन था, और मैंने एक लड़का एक नज्म को अच्छे से पढ़ा था, पढ़कर समझ में आया कि उस आदमी ने अपनी अपनी जिंदगी लिख दी, आप बीती लिखी है, तो उस चीज़ को मैंने उठा के नज्म में डाला। उसी तरह गजल के बारे में मैंने निदा फाजली की एक एक इंट्रोडक्टरी स्पीच है, कोई एक फंक्शन हुआ होने वाली थी, शायद शायद मीर के ऊपर थी या उर्दू गजल गोई पे थी, तो निदा फाजली साहब को इंट्रोडक्टरी स्पीच देने का मौका मिला, तो उन्होंने गजल का बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया कि गजल कैसे अरब के सहराओं में बड़ी पैदा हुई और ईरान के गोद में बड़ी हुई, और जब वो इंडिया में आती है तो उसको यहाँ पर यहाँ के शायरों ने उसको संवारा, सजाया, निखारा, इस तरह के अंदाज उन्होंने बताया था, बड़ा अच्छा लगा, मैंने लिख दिया। तो अब आपको क्या करना है, इन्हीं चीज को ध्यान देना है कि कहने का मुद्दा क्या है, मैं वीडियो एंड की तरफ ले जा रहा हूँ, कहने का मुद्दा यह है कि किताब की जुबान ही लिखनी होगी, ये जरूरी नहीं है, किताब जो लिख रहा है वो भी तो आप ही की तरह कोई आदमी रहा होगा, बस उनके पास फुर्सत ज्यादा थी, उनके पास प्रेशर नहीं था, तो वो अपने हिसाब से सोच कर लिख रहे हैं, आपके पास थोड़ी सी दिक्कत है तो आपको सोच के लिखना नहीं, सोचने की गुंजाइश नहीं मिली, तो आप 1 साल पढ़ रहे हैं, तो उसको नहीं पढ़कर उसके मुद्दे को अगर आप पढ़ते हैं तो आप ही अपने अंदाज में लिख पाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश यही कीजिए कि इन चीज़ों पे आप फोकस करें जो मैं बोल रहा हूँ, राधे धरन की एकदम रट्टा तोता बन जाइए, रट के एग्जाम पास होता है कि नहीं होता वो सरदर्द नहीं है, लेकिन रटने में बहुत दिक्कत होती है, ये जरूर है, क्योंकि अगर एक लफ्ज़ आप भूल गए तो फिर कंसंट्रेशन ब्रेक कर जाता है, तो कुछ पढ़ने की कोशिश करें, थोड़ा भी पढ़ लेंगे ना कहानी में एक नया रंग आ जाएगा। बहुत शुक्रिया।